हाय व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का वेलकम बैक हो गया एक बार फिर से नई अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले नीट 2022 के सिलेबस के बारे में। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज बात करते हैं अपन किसकी, नीट 2022 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि इसको सबसे पहले तीन भागों में बांटा गया। पहले आएगी फिजिक्स, फिर आएगी केमिस्ट्री, ठीक है, फिर आएगी केमिस्ट्री और फिर आएगी बायोलॉजी। अब इनको भी आगे किन किन हिसाब से किस किस टॉपिक के अंदर बांटा गया उसकी अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे फिजिक्स की। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंतर्गत केवल 11th और 12th क्लास की फिजिक्स आती है। क्या आती है? 11th एंड 12th क्लास की पूरी फिजिक्स आती है। इसके अलावा अपन केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग से डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, बायोलॉजी की। किसकी बात करते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर भी 11th प्लस 12th की कंप्लीट एनसीईआरटी यानी कि 90 क्वेश्चन आते हैं। तो 90 में से 80-85 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन से ही आते हैं। यानी कि अगर यदि कोई भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो 4-5 क्वेश्चन बाहर से आते हैं उनमें से 3-4 ऐसे आते हैं कि बोले आप बाहर से कितना भी पढ़ लोगे तो भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो ओनली बायोलॉजी की एनसीईआरटी को ही प्रिपेयर करें, इधर उधर की अदर बुक से पढ़ाई ना करें। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं किसी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया। इसके अंदर वही है कि केमिस्ट्री तो आएगी तो 11-12 से ही आएगी, बाहर से कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसके तीन भाग कर दिए, पहला आता है ऑर्गेनिक, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक और चौथा आता है फिजिकल। कौन सा आता है? फिजिकल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें कहाँ से पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अगर आपने कहीं से कोचिंग की हो तो उसके नोट्स ही पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यदि आप नोट्स हो तो ठीक है, अगर अगर नोट्स नहीं भी हो तो अगर यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको नोट्स पढ़ना है, यानी कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला, इसके नोट्स पढ़ने हैं। और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसा है कि आप फिक्स है उनको आप अगर यदि पढ़ लोगे तो उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसके अंदर नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहा वो बायोलॉजी के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनसीईआरटी पढ़े, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री में ओनली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ट्यूशन और नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दे। बाकी ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री के अंदर यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो भी आगे काम चलने वाला है। तो अगर यदि आप हमारी जानकारी चली गई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें हमारे ऊपर ऐसे सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि आपको टाइम टू टाइम न्यू अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।